बरमकेला ब्लॉक के ग्राम गोबर सिंघा से दर्जनों महिलाएं गांव में अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां कलेक्टर से गुहार लगाते हुए बताया कि गांव में अवैध महुआ शराब बनाने व बिक्री करने का काम जोरों पर चल रहा है। कई शिकायत के बाद भी उन पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे छोटे छोटे बच्चे भी नशे की आदि बनते जा रहे हैं। अगर समय रहते उन्हें रोका नहीं जाए तो पूरा गाँव नशे के आगोश में समा जाएगा। जिले में ग्रामीण क्षेत्र में अवैध महुआ शराब बनाने और बिक्री करने की शिकायतें लगातार आए दिन संबंधित विभाग में की जाती रही हैं। समय समय पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन अवैध शराब का कारोबार करने वालों के हौसले बुलंद है। धड़ल्ले से शराब की बिक्री बरमकेला थाना अंतर्गत हो रही है। गांव की महिलाओं ने बताया कि बरमकेला थाने में कई बार शिकायत की जा चुकी है और पुलिस को शराब भी जब्त करवाई गई है, लेकिन शराब के अवैध कारोबारी कार्रवाई होने के बाद भी नहीं सुधरते हैं। गांव का माहौल पूरी तरह खराब हो चुका है, छोटे बच्चे भी नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। गोबर सिंघा की महिलाएं आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त दिनकर वासनिक से अपनी समस्या बताई, जहां सहायक आयुक्त ने तत्काल टीम गठित कर गोबर सिंघा गाँव में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गोबर सिंघा में दारू बेच रहा है, उसी लिए यहाँ है। क्या दिक्कत हो रही है दारू बिकने से गाँव में? छोटे छोटे बच्चा मन दारू पी दे थे, गाली गलौज करत थे, सियाना मन पी के खराब खराब शब्द बोलत हैं। महिला लोग निकरे में तकलीफ जाते है। एकर शिकायत हमन बरमकेला थाना में 6 बार करे हन, वहाँ कुछ कार्रवाई नहीं हुई। 4 बार पकड़ के दारू भी दे हन, वो लेक जाते शाम को फिर छोड़ देते, अब नहीं भेटा था आदमी लग भी करके बोला थे थाना वाला, फिर जाते हन पूछे बर। तो क्या चाहते हो आप लोग? एकर कार्रवाई हो कहा था, हमारे गाँव में दारू बंद हो। गोबर संघ की कुछ स्वयं सहायता एस एच जी की महिलाएं आई थी यहाँ पे और उनका अवैध शराब बिक्री हो रही है, ऐसी उन्होंने सूचना हमें दी है, शिकायत लेके आई थी। उसमें जो हम एक टीम जो बना के या वहाँ के जो हमारे प्रभारी हैं वृत्त प्रभारी उनके थ्रू यहाँ से यहाँ की टीम से हम भेज के कार्रवाई करवाएंगे। सर उनका क्या लगातार 2 दिन बाद प्रॉब्लम दे चुके हैं, मगर अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं, इसके बारे में क्या करना है? महिलाएं तो विभाग में पहली दफ़े आई हैं, एक बार जरूर इनके पहले भी एक शिकायत पत्र हमें कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त हुआ था, जिसके तहत हमने अपनी टीम भेजी थी और प्रकरण कायम हुए थे आबकारी अधिनियम के तहत, लेकिन वो प्रकरण मन ज़्यादा अधिक मात्रा में हमें वो शराब जब्ती नहीं हुई थी। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।